रियाज बैठकर करना चाहिए या खड़े होकर, ये भी एक सवाल है। आप ही में से कई जनों का ये सवाल है कि रियाज बैठकर करें या खड़े होकर करें, या फिर इसी टॉपिक को और थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये उस तरह से कुछ बात बनती है कि जो परफॉर्मर्स होते हैं, जिनको आप देखते हैं डांस कर करके जो लोग अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, वो लोग कैसे गाते हैं, क्या उनकी सांस नहीं चढ़ती होगी, क्या ये चीज़ मुमकिन है कि उस तरह नाच गाकर हम लोग भी अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। तो आइए उस पर बात करते हैं और देखते हैं क्या इसके पीछे की टेक्निक्स हैं और कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या रियाज हमको बैठ के करना है या खड़े होकर। पूरा वीडियो देखिएगा। लाइव वीडियो कॉल क्लासेस, मॉर्निंग वोकल रियाज सेशंस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है संगीत धरा SPW ऐप पर। अभी डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप तीनों पे अवेलेबल है। डाउनलोड कीजिए और घर बैठे सीखिए। बॉडी की स्टेबिलिटी और सुर, इसका आपस में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जाहिर बात है हमारी जो गायकी है वो पूरा सांस का काम है, है ना। अगर हमारी सांस सधी हुई है तो ही हमारी गायकी सधी हुई होगी, ये सब लोग जानते हैं। बहुत ही जाहिर सा ये विषय है, बात है कि अगर आपकी सांस में कंपन है तो आपकी सुर में भी कंपन होगा, है ना। अगर मेरी सांस ऐसी ऐसी हाँफती हुई है, अगर आप दौड़ते हुए आएंगे, हाँफते हुए आएंगे, तो आपका सुर स्टेबल कैसे लगेगा, मुमकिन नहीं है। तो आपके सुर में आपके साधना लाने के लिए, वो सिद्धि लाने के लिए, वो एक सटीकपन लाने के लिए आपको सांस को साधना ज़रूरी होता है। अगर आपका व्यायाम प्रॉपर है, अगर आपकी एक्सरसाइज जो बॉडी वर्जिश जिसे हम कहते हैं वो अगर प्रॉपर है, तो आपकी सांस सधी हुई होती है, लंबी होती है। कुछ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, प्राणायाम अगर हम करते हैं तो हमारी सांस लंबी होती है। और यही चीज़ हम अगर सिंगिंग में भी अप्लाई कर दें तो हमारी सांस भी वहाँ लंबी हो सकती है। यानी वैसी ही कुछ एक्सरसाइजेज, सा को लंबा लंबा बोलना, पूरे सांस जो है यहाँ आपके जो फेफड़े हैं वहाँ में भरना और उसके बाद पूरी सांस बोलना, मुंह खोल के गाना, ये कुछ कुछ बातें हैं गायकी में। अगर हम ध्यान रखें तो हमारी सांस का पूरा यूटिलाइजेशन होता है और हम गा पाते हैं। वरना क्या होता है, उमूमन हम सांस बहुत कम लेते हैं और रियाज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी जब तक सांस अंदर नहीं भरी और पूरी जब तक नहीं छोड़ी, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसका यूज़ कैसे होगा, उसका इस्तेमाल जब तक आपने पूर्णतः नहीं किया, पूरी तरह नहीं किया, तब तक आपकी सांस की लंबाई बढ़ेगी कैसे। लंबाई बढ़ने के लिए आपको मालूम तो होनी चाहिए ऑलरेडी लंबाई है कितनी, जो लेंथ है या जो टाइम पीरियड आपका सांस ले सकती है वो कितना है। वो कैसे मालूम चलेगा, जब कंप्लीट जो डीप ब्रीदिंग जिसे कहते हैं और डीप एक्सहेलेशन जिसे कहते हैं, बाहर आप पूरी सांस उसी तरह से निकालें, तब जाके आपको मालूम चलेगा कि कितनी आपकी सांस है, तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो यही चीज़ हमारे बैठने और खड़े होने में क्या फ़र्क आ जाता है, अभी मैं बताता हूँ। जब हम बैठे हुए हैं और स्टेबल बॉडी बैठी हुई है, ऐसा ही हम इसीलिए तो कहते हैं कि भाई बॉडी पोस्चर कितना मैटर करता है, कि गाते समय या रियाज करते समय ऐसे कमर झुका के, क्राउच ऐसे करके अगर आप रियाज करते हैं तो गलत होता है। गर्दन आपकी नीचे झुकी है या ज़्यादा ऊपर ऐसी है तो गलत होता है। ये सारी चीज़ें क्यों कहा जाता है, क्योंकि सांस का जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अंदर की साइड है, है ना। तो अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट है, कमर आपकी सीधी है, ज़्यादा भी स्ट्रेट नहीं, एकदम आप सोचें कि मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको मैं एकदम सीधा रख लूँ, ऐसा भी नहीं, नॉर्मल आप स्ट्रेट रखिए जिससे कि बैक पेन ना हो, लेकिन इतना भी क्राउच नहीं करना है, ठीक है। वो सीधी, गर्दन सीधी, तो आपका आपका जो सुर है वो बाहर सीधा सीधा निकलता है, सांस बाहर सीधी सीधी निकलती है। अब अगर आपका शारीरिक मूवमेंट ज़्यादा है इनिशियल स्टेज में, ये मैं पहले ही बता दूं, इनिशियल को मैं बोल्डली बोल रहा हूँ, यानी शुरुआती स्टेज में अगर आपका बॉडी बैलेंस नहीं है, हिलती है बॉडी, तो सुर हिलने के चांसेस हैं, जाहिर है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी तक सधा नहीं है वो सुर। उसके बाद ये काम आप बैठ के ही करते हैं, इसीलिए शुरुआत से ही आप बैठ के करते हैं। आपने देखा है कि हम बोलते हैं ना, सिटिंग पावर होनी चाहिए संगीतकार की, वो क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसमें शास्त्रीय संगीत बैठकर और प्रस्तुति करके वैसे प्रेजेंट करने की चीज़ है, है ना। नाच गाकर हमारा संगीत में गायन नहीं होता है, वो नृत्य होता है, कथक नर्तन होता है, वो अलग बात है, या नाचते नाचते गाना, ये हमारी कल्चर में थोड़ा कम है, है ना, होता है लेकिन कम है, शास्त्रीय संगीत में तो कम ही है। ये अगर हम देखें कि मैं किसी को डिमीन या बी लिटिल नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ऑफेंड मत होइएगा, मैं बहुत फैक्ट वाली बातें बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, कि जो सच हैं। जैसे हम कोठों पे देखते हैं तवायफ होती हैं, तो वो जो कल्चर था, और वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि उस कल्चर के मैं वो बोल रहा हूँ कि यार वो बहुत भद्दा है या ऐसा है, वहाँ का संगीत की बात कर रहा हूँ। संगीत हर जगह है, कण कण में है, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे संगीत आपको मिलेगा ही मिलेगा। गाँव खेड़े में भी संगीत मिलेगा, तो राजा महाराजाओं के दरबार में भी संगीत मिलेगा, तवायफों के घरों में भी संगीत मिलता है ना। तो संगीत तो शुद्ध है, वो पाक चीज़ है, बहुत पावन चीज़
चीज़ है वो हर जगह मिलता है, तो उसको प्लीज़ आप डिमीन या बुरा मत लीजिएगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वहाँ का संगीत, ऐसा कुछ नहीं, संगीत की बात कर रहा हूँ, जगह जगह में अलग अलग होता है, तो वहाँ पर कैसे उसका कल्चर कैसे बदलता है म्यूज़िक का वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो तवायफों की आप अगर महफिल देखें, संगीत देखें, तो उसमें ऐसा हुआ करता था और आज भी शायद होता है कि वो खुद गा गा कर डांस करती हैं, है ना, गज़लें गा गा कर या अपने जो भी गीत वो गा रही हैं, ठुमरियाँ जो वो गा रही हैं उनको गा गा के वो डांस करती हैं। इवन उनके साजिंदे होते हैं, गाने वाले भी साथ में होते हैं, है ना, इसीलिए उन्हें गाने बजाने वाली बोला जाता है कि वो तो गाने बजाने वाली है, है ना, क्यों, क्योंकि वो गाती और बजाती भी कई बार वो लोग साथ में हैं और डांस भी साथ में करते हैं, तो ये चीज़ें भी होती हैं। मगर हमारे शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं है कि नृत्य करते करते आप गायन करें या यूँ करें। अगर आप देखेंगे गायकों के अवगुण और गुण, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भाई शारीरिक आपकी स्थिति होनी चाहिए, भाई स्टेबल होना चाहिए, आप ज़्यादा चेहरा नहीं बिगाड़ सकते, ज़्यादा हिलडुल नहीं सकते, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। लेकिन यहीं आपने कई सारे क्लासिकल आर्टिस्ट को देखा होगा, भीमसेन जोशी साहब को देखा होगा, वो इतने अजीब गरीब हरकतें करते हैं, वो कभी नीचे झुकते हैं, कभी ऊपर झुकते हैं, कभी यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं, कभी अपने शरीर पर कुछ आघात करते हैं ताकि वहाँ से कुछ साउंड बाहर निकले, है ना। तो ऐसे मैंने भी कई शास्त्रीय संगीतकारों को देखा है, तो ये चीज़ें भी होती हैं। जेस्चर्स हमारे किस तरह से हेल्प करते हैं, इस पर अभी मैंने रिसेंट में एक वीडियो दिया था, है ना, कि वो किस तरह से मदद करते हैं। तो खैर वो सारी चीज़ें होती हैं, है ना, थोड़ा बहुत बॉडी मूवमेंट होता है, लेकिन वो तब हो पाता है जब आपका सुर सधा हुआ है। इसीलिए शुरुआती स्टेज में मैं यही हिदायत दूंगा, यही सलाह दूंगा आपको कि आप बैठ कर ही रियाज कीजिए, खड़े होकर घूम कर रियाज नहीं होता है, है ना। ये तब किया जा सकता है, तब वो गायकी भी मुमकिन है जब आपके सुर स्टेबल हैं, है ना, तब आप थोड़ा चल चल के भी अगर करोगे तो वो सुर स्टेबल लगेगा आपका, है ना। वरना आप देखिए, आपका बैठ के ही जब स्थिर नहीं लग रहा है तो चलोगे तो सांस तो ऊपर नीचे होगी, शारीरिक मूवमेंट भी होगा, तो जाहिर सी बात, जैसे कि मैंने उसमें जेस्चर्स वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप बोलते हैं सा तो सीधा जा रहा, लेकिन ये सा अभी मैंने क्या किया, शरीर को हिलाया, शरीर में एक झटका दिया, तो आपने देखा मेरे सुर में भी एक खटका आया, आंदोलन आया, तो शारीरिक मूवमेंट से सुर पे असर आता है, आप जाहिर सा बहुत बेसिक सी बात है ये। तो चलकर अगर करेंगे और शारीरिक मूवमेंट हो रहा है तो जाहिर है आपके सुर पे असर आएगा, इसीलिए हम कहते हैं बैठकर रियाज करना चाहिए। अब आते हैं उन परफॉर्मर्स पर जो नाच नाच के रियाज करते हैं, नाच नाच के परफॉर्म करते हैं, रियाज तो क्या करते हैं, हाँ जाहिर है एक तरह की तो प्रैक्टिस ही है वो, लेकिन नाच नाच के जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो एक जो स्टाइल है पॉप कल्चर जिसे हम कहते हैं, है ना, कि वो जो आजकल भी परफॉर्मेंसेज होती हैं उसमें आप देख रहे हैं कि भाई जो आर्टिस्ट हैं, जो मेन सिंगर लीड सिंगर है, उसका पूरा बैंड है, वो स्टेज पे खड़ा है और वो अच्छी खासी पूरी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वो वाइल सिंगिंग वो डांस भी करते हैं वो लोग। तो देखिए वहाँ पे कई सारी टेक्निकलिटीज आती हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा नज़र में रखें, थोड़ा सा हमारे नज़रिए में रखें कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कैसी टेक्निकलिटीज़ हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हर बार फ्रॉड ही होता है कि गाने बज रहे होते हैं पीछे कैसेट पे, उन्होंने प्ले कर दिया होता है, वो सामने खाली लिपसिंक कर रहे हैं, पर उमूमन ऐसा भी होता है कि वो लिपसिंक ही कर रहे होते हैं। लेकिन जो लाइव परफॉर्मर्स हैं उनका अपना एक रियाज होता है, अपनी एक प्रैक्टिस होती है कि सुर की स्टेबिलिटी इवन वाइल डांसिंग, है ना, वो चीज़ आ पाए, है ना। कई बार होता है ना कि हम खड़े होकर गाते हैं तो थोड़ा दम से गाते हैं और बैठे बैठे गाते हैं तो कम दम आता है, ये भी एक चीज़ होती है, है ना। अब अगर यही आप थोड़ा एक्शंस के साथ गाएंगे, थोड़ा झूम के गाएंगे, तो ये धीरे धीरे आपको रियाज करना है, अभ्यास करना होता है। जो लाइव परफॉर्मर्स हैं आप उनको अगर उनसे बात करेंगे, उनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो कई बार क्या होता है उतने शोर में उतना सटीक सुर सुनाई भी नहीं देता कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बहुत कम ऐसे परफॉर्मर्स आप देखेंगे जो जिनके सुर एकदम सटीक लग रहे हैं और वो लाइव नाच गा भी रहे हैं, है ना, वो चीज़ थोड़ी मुश्किल होती है, तो उसका अभ्यास होता है, लेकिन वो बाद की बात है, ऐसा नहीं कि आप तुरंत ही वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं अपनी गायकी में, नहीं, पहले सुर को साधिए, बैठ के साधना कीजिए। वो लोग भी जो परफॉर्म करते हैं वहाँ स्टेज पर, उन लोगों ने भी घंटों साधना करी है बैठ कर, इसीलिए उनका सुर स्टेबल है कि वो कूद कूद के भी गा रहे हैं तो उनकी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनकी सांस ऊपर नीचे हो रही है तब भी वो सुर में वो खराबी नहीं आ रही, वो नाच नाच के, है ना। ये क्योंकि हमारा इंप्रेशन क्या, बॉलीवुड से बड़ा हम लोग मुतासर हैं, इंप्रेस्ड हैं, हम वहाँ देखते हैं कि अरे ये तो नाच नाच के गाना गा रहा है तो ये चीज़ मुमकिन है, मगर ऐसा नहीं होता है। वो जो नाच नाच के गा रहे हैं वो तो अभिनेता हैं, वो एक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, उनके गाने ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रखे हैं, जो किसी भी सिंगर ने गाए हैं तो खड़े होकर या बैठ के ही गाए, स्टेबल बॉडी मूवमेंट के साथ, ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा ऐसा हिलडुल के उन्होंने रिकॉर्ड किया और नाच नाच के, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। पर हाँ जाहिर है वो जो जेस्चर्स हैं, वो पॉस्चर्स हैं, वो मदद भी करते हैं। अगर आपको जॉयस कोई गाना है तो वो आप बैठ के एकदम स्ट्रेट फेस के साथ नहीं गा सकते, उसके लिए थोड़ा झूमना ज़रूरी है, तब जाके वो आता है। तो वो चीज़ तब हो पाती है जब आपकी सुर की स्टेबिलिटी, वो प्रेफरेंस है, वो प्राथमिकता है, वो प्रथम है कि वो होनी चाहिए। नाचना गाना दूर की बात, वो बाद की बात,
है ना, वो अगर स्टेबल है तो उसमें आप कुछ भी ऐड कीजिए, झूमिए, आपके बॉडी मूवमेंट्स अलाइए, वो सारे चलेंगे, लेकिन फर्स्ट कम्स द सुर, वो नोट की एक्यूरेसी, वो पिच परफेक्टनेस, वो होनी ज़रूरी है। तो पहले आप बैठकर इत्मीनान से रियाज कीजिए, सुर को साधिए, फिर धीरे धीरे वो चीज़ इंक्लूड कीजिए। आप चल के गा के देखिए, नाच के गा के देखिए, कैसे कैसे आता है, फ़र्क कैसे पड़ता है, असर कैसे होता है, बदलाव कैसे आता है उसमें, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ी आम सी बात थी, ऐसा कुछ खास मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, मगर कुछ लोगों का सवाल है तो डिस्कशन करना बनता ही है, ठीक है। ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, संगीत धारा SPW ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए। लाइव वीडियो कॉल पे क्लासेस हो रही हैं वहाँ पे, शनिवार को, हर शनिवार में वहाँ पे फ्री सेशन भी मिल रहा है आपको, तो चलिए जल्दी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। शुक्रिया।